सोशल मीडिया सहित राष्ट्रीय मीडिया में कभी तलाक और कभी निकाह और कभी दूसरी शादी के लिए चर्चाओं में बने रहने वाली आईएएस टीना डाबी एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस बार टीना डाबी ने कोई सकारात्मक काम नहीं किया जिसके कारण वे चर्चाओं में है, बल्कि अब राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तानी हिंदुओं के घरों के उजाड़ने के आरोप आईएएस टीना डाबी पर लग रहे हैं। दरअसल राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। यह कार्रवाई वहां की डीएम यानी कि जिला अधिकारी टीना डाबी के आदेश पर की गई है। बुलडोजर चलाने से पहले क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया और 16 मई को यह कार्रवाई कर दी गई। इसके बाद पाकिस्तान से आए हिंदू महिलाएं बच्चे सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो गए। बता दें कि पिछले ही महीने जोधपुर में भी पाकिस्तानी शरणार्थियों की एक बस्ती पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा इसी तरीके की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद रोते विलखते हिंदुओं की तस्वीरें राजस्थान से सामने आई थी। जैसलमेर के अमर सागर इलाके में लंबे समय से कई शरणार्थी हिंदू परिवार रह रहे थे। वे पाकिस्तान में उत्पीड़न से परेशान होकर परिवार सहित यहां आकर रहने लगे थे। बस्ती को खाली कराने के आदेश का पालन करने के लिए यूआईटी के सहायक इंजीनियर मंगलवार को भारी दलबल के साथ पहुंचे। बता दें कि जैसलमेर शहर से अमर सागर केवल 5 किलोमीटर दूर है। यहां के सरपंच ने जिला कलेक्टर और यूआईटी से ग्राम पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। बता दें कि जब शरणार्थियों के घरों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया तब वहां रहने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चे रोते और विलखते रहे। महिलाओं ने भी इसका विरोध किया, हालांकि उनका विरोध किसी के काम नहीं आया। पुलिस बल ने उन्हें वहां से हटा दिया। घर गिरने के बाद कई शरणार्थी हिंदू परिवार बेघर होकर खुले आसमान के नीचे रहते नजर आए। दो औरतों को मारा है, वो कमरे वालों को आग अच्छा। लगा दी थी वो मंदिर के पास, एक झोपड़ी मंदिर भी जलाया। हाँ मंदिर भी जला, वो झंडे संडे जल के और एक नीचे जा पड़ा वो उठाकर ऊपर लगाया। वहीं ओप इंडिया की एक खबर के मुताबिक जैसलमेर में पाकिस्तानी हिंदुओं की बस्तियों में बुलडोजर चलाने के अलावा टीना डाबी के आदेश पर आग भी लगा दी गई थी और उसे उजाड़ने का आदेश देने के बाद अब फिर से आईएएस टीना डाबी के द्वारा उन्हें वहां बसाने का प्लान किया जा रहा है। अमर सागर इलाके में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की बस्ती को उजाड़ देने के बाद एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे पता लगता है कि शरणार्थियों के घरों पर बुलडोजर ही नहीं चलाया गया बल्कि आग भी लगाई गई थी। अब मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि आईएएस टीना डाबी प्रभावित शरणार्थियों के पुनर्वास को लेकर भी पूरे तरीके से एक्शन प्लान बनाती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि जैसे ही आईएएस टीना डाबी के द्वारा ये कार्रवाई शरणार्थी हिंदू परिवारों के बाद की गई, उसके बाद राष्ट्रीय मीडिया सहित तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आईएएस टीना डाबी की आलोचना होने लगी और इसके बाद अब आईएएस टीना डाबी अपने द्वारा किए गए इस कृत्य को इस तरीके से पुनर्वास कराने के बाद छिपाती हुई नजर आ रही हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।